सो गाइस, डे टू की शुरुआत हो चुकी है। आहा, और डे टू पे मैंने सुबह सोचा था सुबह जाके कुछ ब्रेकफास्ट का इंतजाम करेंगे ग्रॉसरी स्टोर से, पर फिर पता चला दिल थाम के रखिए, आज नेशनल हॉलीडे है चेक रिपब्लिक में, और नेहा का बर्थडे भी है। मैंने बहुत कुछ सोचा था आज के लिए, पर कि मैं इस दुकान से जाके केक लूँगा एंड ऑल, बट तो हम सुबह मुझे कोई छोटा सा स्टोर देखा, वहाँ से मैं कुछ ब्रेड जैम इंतजाम करके लाया हूँ, और नेहा अभी वही ब्रेकफास्ट कर रही है। लेट्स गो एंड सी। नेहा, हैप्पी बर्थडे। तो छोटू सा सेटअप है यहाँ हाँ, पे, चीनी है इधर अलग से। शुगर कॉफ़ी एंड टी रखी हुई है, ये आपको जितनी मर्जी आए पी सकते जेम हो। का एक माइक्रोवेव है, ये बॉयलर है, और एक छोटू सा फ्रिज है, बस इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं दिया। है गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ। कैसे लग रही हूँ? गोपाल आ गए नीचे। मैं रिसेप्शनिस्ट हॉल में हूँ, ये ऐसा कुछ है। और हम लोग बहुत लेट हो गए, 1 बज गए। हमें घूमने निकलने से पहले हमने 10 बजे का प्लान बनाया था, बट घर से फ़ोन वगैरह आ गए बर्थडे के विशेस के लिए, तो हम लोग उसमें बिजी हो गए। और मैं तैयार हो गई हूँ अपना फेवरेट ब्लैक ड्रेस पहन के। ये मैंने स्पेशल अपने बर्थडे के लिए लिया था, वाइट स्वेटर, गॉगल्स बिना काम नहीं चलने वाला। एंड यस, मेरी फ्रेंड का दिया हुआ ब्रेसलेट, गोपाल का दिया हुआ ज्वेलरी, दैट्स इट। ये आ गए गोपाल सज धज के, गुड बच्चा बन के अकड़ दिखा रहे हैं। बर्थडे ट्रीट मिल गई है मुझको, देखते हैं ये कंटिन्यू रहता है यार, कंटिन्यू कितने घंटे का। मौसम बहुत सुहाना है। मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो बाहर निकल ही गए हैं, मौसम बहुत अच्छा है, और आप देखिए धूप वूप है पीछे से, बढ़िया ब्लू स्काई, हिप्नोटाइज वाला मौसम है। गोपाल जा रहे हैं इसको पार्क करने, हम दोनों ने मस्त इस पे गाइड की है। मैंने भी थोड़ा चलाया बट मुझे डर लगता है। चलो मैं पार्क करके आता हूँ। यो तो जो चीज़ हमने रात को आपको दिखाई थी, जो सेम चीज़ है, आई थिंक ब्रिज के इस साइड से मैं दिखा रही हूँ आपको इस बार। उस टाइम आपको मैंने ब्रिज के उस साइड से दिखाया था, मे बी, आई डोंट नो। तक कोई आके फ़ोन हाथ से ही ना छीन के भाग जाए मेरा। हमने स्कूटर वो पार्क की, गोपाल ये आते हुए कितना हैंडसम लगता है। कभी कभी हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती हूँ, पर वो कभी कभी हैंडसम अच्छा लगता है। कौन से नंबर की बस पे जाना है? लेट्स गो ऑन अ बोट। गोपाल कहीं लेके जा रहे हैं मुझको, आई डोंट नो वेयर। चलो मुझे भी निकालना पड़ेगा, गर्मी है इसलिए मैंने निकाल दिया। तुम यहाँ रहो, मैं जरा वो देख के देखने कि कौन सी बस कहाँ जाएगी। सुंदर है सिटी अभी के लिए, तो अच्छी लग रही है। प्राग की ट्रेन काफ़ी लंबी है, अच्छी है, बढ़िया। नदी के ऊपर ट्रेन जा रही है, छिक 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 छिक। गोपाल ट्राइंग टू फिगर आउट द मैप। और 2 बज गया घड़ी में, 2 बज गया ही गोपू, 2 बज गया अभी तक हम कहीं पहुंचे नहीं। बस पहुंचने वाले हैं। कौन सा नंबर है?
खराब। तो हम कहाँ पहुंचे हैं गोपाल, कौन सा स्टेशन है? मात्रकोस्ता। अच्छा है, बिल्डिंगे हैं, पता नहीं किसकी बिल्डिंग है ये, पर लगता है ऑफिस वगैरह है। इधर क्या रही? कुछ आर्ट वर्ट है। चर्च पे जा, तो हम अभी चर्च पे जाने वाले हैं, उस सब के सब वहीं जाने वाले हैं खाने पीने की। अच्छा। इंडिया जैसा। गोपाल देखने जा रहे हैं कि वहाँ से हमारी छुक छुक गाड़ी मिलती है कि नहीं। हम जहाँ पे खड़े थे, जहाँ जाना था पहाड़, वो कैसल देखने, इतनी आवाज, तो भाई इतनी ट्रेनें फुल जा गई हैं, इतना रिस्क नहीं ले सकते। अब ये लाइन किस लिए है पता नहीं। तो हमने डिसाइड किया हम कहीं और जाते हैं और वहाँ से कुछ करते हैं। हम एक पहाड़ के छेड़े में आए हैं, अब वहाँ से हम सोच रहे हैं कि गाड़ी या तो लाइन लेके पहुँचे वहाँ तक। अब देखते हैं, अब थक तो ऐसे ही गए हैं। क्या है ये, कोई छुक छुक गाड़ी की लाइन? तो चलो ना छुक छुक गाड़ी पे ही। तो अब क्या करेंगे? What's next? अब मैं देख रहा हूँ इसका अपोजिट स्टॉप का। अब कहाँ जाएंगे? पूरा प्राग घूम ले रही हूँ। तो भाई हम दूसरे स्टॉप पे आए हैं, देखते हैं हमें यहाँ से 22 नंबर की मिलती है बस की नहीं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे ट्राम्स और ट्रेन्स कभी टाइम पे नहीं आते। फाइनली हमें बस मिली, पर भीड़ आप देख लो कितनी ज़्यादा है। गोपाल खड़े हैं, मैं बैठ गई हूँ, और बस एक दो स्टॉप में पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत भीड़ है, हमने बहुत गलत टाइम चुना इस समय आने के लिए। आपको जाना है कैसल तो आप मॉर्निंग में जाओ सुबह सुबह। सो अभी कहाँ जाएं इसके आगे? यहाँ पे भी घर वगैरह तो है काफी। ये तो रेजिडेंशियल एरिया है। ये नदी के इस तरफ का रोड क्रॉस करना है। हमने थाई मसाज है, मैं बोल गया गोपाल मेरा बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट ले लो, ले नहीं गए होटल। हाँ तो भाइयों, प्राग की बुराई देने के बाद हम ऊपर आ गए हैं। कैसल के एक स्टॉप आगे, और यहाँ से अच्छा दिख रहा है व्यू। मैं आप चलो इतना स्ट्रगल करके आए तो कुछ तो फायदा हुआ। यहाँ अच्छा है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है प्राग सिटी का। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कैमरे में मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह लग रही है ये पोहा करके कुछ जगह है, मुझे नहीं पता। ये देखिए मेरी क्यूट वाइफ इधर देखो। ओके गाइस, बहुत स्ट्रगल, बहुत भीड़ में एमटीएस बस की तरह ठूस के आए हूं। हां लिटरली एमटीएस बस, मेरे को मेरी कॉलेज लाइफ याद आ गई। बट अच्छा है कम से कम भीड़ देख के मजा आया। मुझे इंडियन मसाले की खुशबू आ रही है। कबाब है, कबाब की ऐसी खुशबू तो नहीं होती। कबाब क्या होता है? कबाब होना चाहिए। काफे भी है गोपुरे ना? क्या काफे? काफे नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाय समोसा खाने का बड़ा मन है। तो कोई ढूंढो इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ होगा तो जरूर, जब कबाब है तो। अच्छा चलिए हम थोड़ा खाने पीने का लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, यहाँ को दिखे। जूम कर दो। आई वुड लाइक टू जूम इट आल्सो। पीछे से कोई आ ना रहा हो? देखिए, अरे बाहर दिखाइए, कुछ ऐसा करके दिख रहा है यहाँ से। बहुत पूरा प्राग का ओल्ड टाउन, चर्चेज, और फिर पीछे के पहाड़ भी दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और चलिए मिलते हैं। बहुत ही शांत सुंदर जगह ये, यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, इतना याद रखना नहीं यार, रुक जाओ। ओके चलिए,